सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल लिरिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ, देख सकते हो स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो रेन ड्रॉप लिरिक्स वीडियो देखे, इस टाइप का वीडियो अभी के समय में इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक आर्ट्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। एडिट फोटो वाला ऑप्शन में आना है और सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, ये ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक इमेज को ऐड करना है, तो नीचे में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है। ऐड फोटो वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में जाकर आपको एक ब्लैक इमेज को ऐड करना है। उसके बाद ये इमेज को हल्का सा क्रॉप कर लेना है, तो नीचे में क्रॉप वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको 16:9 वाला जो रेशियो इसको सेलेक्ट करके इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है ये रेशियो में, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो है इमेज का ओपेसिटी आपको यहाँ पे 50% में कर लेना है, कुछ इस तरह से इतना। उसके बाद यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन में जाना है और आपको एक शेप में ले लेना है, पूरा वीडियो में इस तरह से ले लेना है। तो देख सकते हो साइड साइड में कुछ इस तरह से कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना, इमेज का जो साइज है आपको हल्का सा बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड आपको टिक कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी फोटो पे आपको वीडियो क्रिएट करना है उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ जो भी सॉन्ग पे आपको वीडियो क्रिएट करना है उस सॉन्ग का नाम लिखना है, उसके बाद सिंगर का नाम लिखना है। तो चलिए ये चीज़ को फटाफट कर लेते हैं। तो नीचे में ऐड फोटो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और फोटो को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने फोटो को ऐड कर लिया, उसके बाद क्रॉप वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और क्रॉप कर लेना है फोटो को कुछ इस तरह से, एंड साइज को हल्का सा छोटा करके यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना, आपको यहाँ पे सॉन्ग का नाम लिखना है, जो भी सॉन्ग पे आपको वीडियो क्रिएट करना है उस सॉन्ग का नाम और सिंगर का भी नाम लिखना है। तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे में, इसके ऊपर क्लिक करना है और सॉन्ग का नाम लिखना है। तो मेरा सॉन्ग है तुझे भुला दिया, ठीक है। एंड आपको टिक कर लेना है। एंड इसका अगर फॉन्ट चेंज करना है तो बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा यहाँ पर ही, तो आपको जो भी फॉन्ट पसंद है उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद नीचे में आपको सिंगर का नाम लिखना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाना है और सिंगर का भी नाम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद टिक कर लेना है। और सिंगर का जो फॉन्ट है आपको चेंज अगर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेट करना है। इतना करने के बाद अब क्या करना, आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड ये फोटो को अब आपको सेव करना है, तो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, ऊपर में ये जो आइकन मिलेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो फोटो मेरा सेव हो जाएगा फोन में। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है और अलाइट मोशन से आपको लिरिक्स ऐड करना है और इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो अलाइट मोशन ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो भी फोटो आपको वीडियो क्रिएट करना है उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। मीडिया वाला ऑप्शन में जाना है और फोटो को यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो देख सकते हो मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लस वाला आइकन मिलेगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है और फोटो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन फुल स्क्रीन पर नहीं होगा तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे में, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको 3 नंबर वाला जो आइकन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको जूम कर लेना है फोटो को, ठीक है। उसके बाद ये जो आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है और फोटो को सेट कर लेना कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। एंड अब क्या करना, आपको यहाँ पर सॉन्ग ऐड करना है, जो भी सॉन्ग पर वीडियो क्रिएट करना है। तो नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। ऑडियो वाला ऑप्शन जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा सॉन्ग वीडियो के अंदर है, तो मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और वीडियो के अंदर जो सॉन्ग है उस सॉन्ग को बाहर निकालना है, तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, क्लिक करना है, एक्सट्रेट ऑडियो कर लेना है। तो सॉन्ग जो है मेरा बाहर आ चुका है, वीडियो के ऊपर क्लिक करके वीडियो को डिलीट, ओके। इतना करने के बाद अब क्या करना, ये सॉन्ग को आपको नीचे कर लेना कुछ इस तरह से। एंड सॉन्ग का ड्यूरेशन जितना है उतना आपको फोटो का भी ड्यूरेशन को कर लेना है। यहाँ पे ये आइकन में क्लिक करना है तो फोटो जो फोटो का ड्यूरेशन है लॉन्ग हो जाएगा। इतना करने के बाद अब क्या करना, आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और फोटो का भी ओपेसिटी आपको यहाँ पे 50% में कर लेना है। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे में ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फोटो का जो ओपेसिटी है आपको यहाँ पे 50% में करना है। इतना करने के बाद पिकआर्ट एप्लीकेशन में जो फोटो सेव किए थे उस फोटो को भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो नीचे में प्लस आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। मीडिया वाला ऑप्शन जाना है और यहाँ से आप कर सकते हो, शुरू में ही मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा फोटो। उसके बाद इस फोटो का भी ड्यूरेशन लॉन्ग कर लेना है कुछ इस तरह से, एंड वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे अब आपको लिरिक्स लिखना है, ठीक है। तो लिरिक्स लिखने से पहले आपको सॉन्ग में बीट मार्क ऐड करना है। तो मतलब फर्स्ट लिरिक्स कहाँ से स्टार्ट और वहाँ पे जाना और बीट मार्क ऐड कर लेना है। उसके बाद सेकंड लिरिक्स कहाँ से स्टार्ट और वहाँ पे जाना और बीट मार्क ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। चलिए ये चीज़ को भी हम फटाफट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ से मेरा पहला लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बीट मार्क ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से।
उसके बाद प्ले करना है। यहाँ से मेरा सेकंड लेग स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मेरा थर्ड लिरिक्स, तो यहाँ पे आपको बीट मार्क ऐड करना है। तो इस तरह से आपको बीट मार्क ऐड करना है यहाँ पे जाकर, ठीक है। देख सकते हैं मैं रेडी जैसा हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फास्ट पे आ जाना है। आने के बाद स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे टोन है, यहाँ से मेरा लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरा टोन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इमोजी कुछ भी ऐड करना है। तो प्लस वाला आइकन मिलेगा नीचे में, इसके ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है और आपको इमोजी ऐड करना है। आपको इमोजी यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। और कलर वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये जो सेकंड नंबर वाला कलर है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये ट्रांसपेरेंट कर लेना है कुछ इस तरह से, ओके। एंड आपको टिक कर लेना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना, जो पहला बीट है यहाँ पर आपको आ जाना है और ये म्यूजिक का ड्यूरेशन इतना कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, लिरिक्स लिखना है। तो नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको यहाँ से लिरिक्स लिख लेना है। तेरी याद मेरा लिरिक्स है, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो कलर है वाइट कर लेना है और यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और फॉन्ट को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिरिक्स को सेट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको लिरिक्स में एनिमेशन भी ऐड करना है। तो यहाँ पे लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, नीचे में इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अब क्या करना है, एनिमेशन ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको सर्च वाला आइकन में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टेक्स्ट, ये वाला ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आ जाना है कुछ इस तरह से, रेंज वाला ऑप्शन में जाना है और आपको सबसे पहले की फ्रेम ऐड करना है एक, उसके बाद यहाँ पे बीच में आ जाना है यहाँ पर और आपको करना है 100 इसको, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको करना है लेटर से आपको वर्ड में कर लेना है और यहाँ पे लेयर से आपको कंपोनेंट में कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और अल्फा नीचे जाना है, अल्फा मिलेगा, इसको करना है -1, ठीक है, इस तरह से। देख सकते हैं लेग्स में कुछ इस तरह से एनिमेशन ऐड हो चुका है मेरा, ओके। तो इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद इसी को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से और आपको यहाँ पर जाना है सेकंड बीट में जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और थर्ड वाला जो बीट है जहाँ तक है वहाँ तक आपको ये लिरिक्स का ड्यूरेशन को कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और ये लिरिक्स को आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिरिक्स में यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड हो चुका है और मेरा लिरिक्स भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना, पूरा लिरिक्स को लिख लेना है। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा लिरिक्स लिख लिया हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम को फर्स्ट पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे इस इमोजी में आपको एक फेड ऐड करना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इमोजी के ऊपर क्लिक करना है, नीचे में इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है और सर्च कर लेना है फेड कुछ इस तरह से। एंड आपको टिक कर लेने और स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है और इन को आपको जीरो कर लेना है और आउट को करना है 30% या फिर 50% में, ठीक है। तो देख सकते कुछ इस तरह से मेरा फेड ऐड हो जाएगा लिरिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेने। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद आपको फोटो को छोड़कर आपको सब चीज़ को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने, ठीक है। बस आपको फोटो को छोड़ देना है, और आपको सब चीज़ को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और गुरु पेन मास्क में कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए आपको ग्रुप वन के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च वाला आइकन में जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है और सिलेक्ट इस तरह से। एंड स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है और एंगल को करना है 90%, ठीक है। एंड नीचे जाना है, फ्रीक्वेंसी को करना है 0.20, ठीक है, इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट मेरा ऐड हो जाएगा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इस वीडियो को आपको सेव करना है। तो ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वीडियो को करना है सेव।
उसके बाद अब क्या करना, आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन में आना है और वहाँ से आपको रेनड्रॉप इफेक्ट को ऐड करना है। सो देख सकते हो मेरा जो वीडियो है यहाँ पर सेव हो चुका है, उसका सेव के ऊपर क्लिक करना है तो मेरा वीडियो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट वीडियो एप्लीकेशन में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, न्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर रेड प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन जाना है, वीडियो वाला ऑप्शन जाना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो को ऐड करना है। देख सकते हो मेरा वीडियो ऐड हो चुका है। उसके बाद नीचे में मिलेगा एक वाइट वाला प्लस आइकन, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको एसेट स्टोर में जाना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर लिरिक्स में ग्लो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लो वाला ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट पे ही, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो ऐड हो जाए, लिरिक्स में यहाँ पे ग्लो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वाला ऑप्शन में आना है और इसको करना है 35% में, ठीक है 35 में कर लेना है। उसके बाद नीचे में प्लस आइकन मिलेगा व्हाइट वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। एसेट स्टोर में जाना है और यहाँ पे नेचर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे में आपको मिलेगा रेन ड्रॉप, देख सकते हैं यहाँ पे रेन ड्रॉप इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेन ड्रॉप ऐड हो जाएगा मेरे वीडियो में, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे टिक टिक किया हुआ है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टिक है इसको अनटिक कर लेना है और बाकी तीनों का आपको टिक करके रख लेना है, ठीक है। तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो मेरा वीडियो में देख सकते हैं रेन ड्रॉप ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते ऊपर में, ठीक है। इस तरह से आपको रेन ड्रॉप ऐड करना है। उसके बाद अब क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। तो ये जो आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीडियो को सेव कर लेना है, ये ग्रीन वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो मेरा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वीडियो को क्रिएट कर लेना है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।